से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आई है, आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद, जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है, मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है, आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैं अब मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है, इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं।